दे माता यशोदा के अंगना, कन्हैया लाल झूले पलना, कन्हैया लाल झूले पलना। भगवान को झूला झुलाया आप लोग, और जिन्होंने भी भगवान को अभी झूला झुलाया उसको भगवान माने, जैसे जिनका विवाह नहीं हुआ है उन्हें भगवान ही मिलेंगे समझ लीजिए, क्योंकि इतनी सुंदर झूला है आप लोग झुलाए हैं ना, आह भगवान खुश हो गए आपके झूला में। और जिनका विवाह हो गया है उनके घर में स्वयं भगवान बेटा बनकर आएंगे और झूला झूलेंगे, जिन्होंने झुलाया है ना उनके घर में बेटा बनकर, और जिन जो आज ही ने झुलाया उनके घर में नाती बनकर आएंगे, ताकि भगवान को झूला, आपका झूला हमारे ठाकुर जी को बड़ा पसंद आया। अब भगवान को झूला झुला दिए, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। अब इसके बाद हमारे ठाकुर जी ने एक लीला और की, बोले क्या मिट्टी की। एक दिन भगवान सखाओं के साथ खेल रहे थे, खेलते खेलते एक मिट्टी की डली उठाए और मुंह में डाल दिया, सारे सखा देखे, बोले लाला तैने माटी खाई, बोले नहीं खाई, बोले चलो यशोदा मैया से शिकायत करेंगे। एकदा क्रीडना मस्ते राम त्यागो पदारिका, कृष्णमृतम भज्जति मात्रे नवेदनः। यशोदा मैया कही चल मुंह दिखा, मिट्टी खाए। यशोदा मैया से भगवान बोलते लाला मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो मैया बोलते लाला लाला तुमने मिट्टी खाई, लाला बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो क्या खाई। देखिए वृंदावन गए हो और दो काम नहीं किए तो तुम्हारा वृंदावन जाना बेकार है। बोले क्या कि रमण रेत लेटे हो नहीं और कियो न जमुना पान, रे मन तू समझे नहीं ब्रज के तत्व महान। देखिए वृंदावन में एक जगह रमण रेती, जहां रेते ही रेते, यदि उस जगह में जाओ तो रेत में लोटो, कितना भी सफेद कपड़ा पहन के लेट जाओ गंदा होने वाला नहीं है, बल्कि तुम्हारा जितना पाप है वो सारे पाप दूर हो जाए। तो पहला काम तो ये करना चाहिए, और दूसरा जमुना जी का जल। तो बोले मैया मैंने तो ब्रज की महिमा खाई है। बोले आज तेरा बात मैं सुनने वाला नहीं हूँ। यशोदा मैया कान पकड़ लिए, कस्माद मृदात्मात्मनः भवान भक्षित बानर वदन्ति तावकाभिते कुमारस्ते अग्रो जप्यम्। तने मिट्टी खाई, चल अपना मुंह खोल। आज भगवान ने जैसे मुंह खोला यशोदा मैया क्या देखती है, अभी तो भगवान मना भी कर रहे हैं कि ना ही भक्षित्वान सर्वे मिथ्याभिसंसिन यदि सत्यम गृहस्थ समक्षम पश्चिमे मुखम। भगवान बोले मैं मिट्टी नहीं खाई, नहीं खाई तो भैया बोले मुंह खोल, और जैसे मुंह को खोले भगवान तो क्या देखते हैं, राधे राधे। जैसे मुंह खोले तो भगवान के मुंह में पूरा आर्यावर्त, पूरा भारत खंड, भारतवर्ष, भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में नंदगांव, नंदगांव में नंद महल, नंद महल में नंद का आंगन, और नंद के आंगन में कान पकड़े हुए मैया भी दिखते। मैया सोची मैं तो यहाँ बैठी हूँ और यहाँ कान पकड़ी हूँ और देख मुंह मेरा, ये तो बड़ा है ना, बड़ा अचंभा हुई मैया को। और रामायण में भी यही होता है ना, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, वही बालक भोजन कर रहा, वही बालक झूला, वही मैया की भी परीक्षा होती है। अब मैया बड़ा विस्मित हो गई कि अब करूं तो करूं क्या। भगवान को लगा, क्या लगा भगवान को, ये लगा कि ठाकुर जी कहते हैं कि मैया मेरे को भगवान ना समझे। और सुन लो जी, इंसान बने रहो भगवान मत बनो, भगवान बनने में कोई फायदा नहीं है, इंसान बनने में बहुत फायदा है। बोले कैसे, भगवान बनोगे तो क्या होगा, इतने बैठे हैं भगवान जी है ना, रोज मिश्री का भोग लगाओगे, मिश्री ज्यादा होगा तो लड्डू, तो मिश्री भी मीठा और लड्डू भी मीठा, रोज 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 मीठा खा खा कर भगवान का शुगर बढ़ गया जी, अभी चेक किए हो। और ऊपर से क्या करते हो, अगरबत्ती ले धुआं पी, मन होता और मन न होता
हमारे तो धुआं का अगरबत्ती किनारे करो किनारे करो किनारे करो, अब भगवान बिचारी वो धुआं को सह रहे हैं। मनुष्य बनने में ज्यादा फायदा, धुआं पीना है का मिश्री खाना, भगवान वहां मिश्री खा रहे हैं मीठा खा खा के तरह, हम लोग बड़ा होशियार है, हमारा जो मन पड़ता है हम आते हैं आज है? सोनू की मम्मी आज खट्टा बना लो, आज मीठा बना लो, आज ये बना लो, आज वो बना लो, जो मन करता है वो बनाते हैं वो खाते हैं। अब भगवान तो प्रभु बेचारे मिश्री खा खा के त्रस्त, तो आप ही बताइए भगवान बनने में फायदा है क्या? नहीं, इंसान ही बने रहो। और सुन लो, गजब तो तब हो जाता है जब तुमको 5 दिन कहीं बाहर जाना होता है, शादी ब्याह में कभी सीजन में जाओगे ना तो घर में लगा दोगे ताला, शादी में न्योता खाने जाओगे, और जब आप जाओगे न्योता खाने तो क्या कहते हो, भगवान हम जा रहे हैं न्योता खाने, आप हमारे घर को देखना, बच्चा चौकीदारी है, कहाँ खाइया कहाँ पिया एक घर कोई व्यवस्था नहीं है, और उपरांत किसकी ड्यूटी देते हैं, चौकीदारी। अब भगवान बेचारे भूखे प्यासे 5 दिन से तुम्हारे घर में बैठे चौकीदारी कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, अब आप तो शादी में पहुंचे हो, बफर सिस्टम लगा है, रसगुल्ले रसगुल्ला उड़ा रहे हो उधर, अब भगवान इधर भूखे पड़े, तो क्या बताइए भगवान बनने में फायदा है? मनुष्य बने रहो, कन्हैया सोचे मेरे को भगवान न माने इसलिए सबको मिटा दिया, मिटा दिए। भैया एक छोटी सी छड़ी उठाई, बोले रुक रे मरकट रुक रे बंदर, भगवान चार छोटे हैं 4 बरस के, थोड़ी थोड़ी दौड़ रही है इधर पैर रखे, थक पक भगवान, और जब भगवान दौड़े तो बाल बाल भी दौड़े, और जब बाल बाल दौड़े तो बंदर भी दौड़े, रुक रे नटखट रुक रे मटखट रुक रे नटखट, बता रहे पीछे पीछे यशोदा मैया आगे आगे लाला। पर क्या होता था, भगवान अपनी चोटी में क्या लगाए थे, फूल, तो जब भगवान दौड़ते थे ना तो फूल झर 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 करके गिरता था, क्यों गिरता था कि आज मेरी मैया मेरे पीछे पीछे आ रही है तो मेरे मैया के पैर में कांटा भी ना लगे, मेरे मैया के लिए सारा रास्ता फूल बन जाए। मैया दौड़ी, दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, और जब दौड़ते दौड़ते मैया थक गई, दौड़ते दौड़ते भगवान देखे मैया थक गई ना, उसी समय भगवान स्वयं पकड़ा गए, और जैसे स्वयं पकड़ा गए देखिए वहां जो बैठे हो आपको अच्छा कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, आप लोगों को ठीक से बैठते नहीं बन रहा है, आप लोग ना आ जाओ यहाँ आ जाओ, आपके लिए आगे मैं जगह बताता हूँ, आओ पीछे तो जाना नहीं चाहते इसलिए यहाँ आ जाओ आगे में बैठ आ जाओ। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय हो। अब भगवान पकड़ गए, अब भगवान को लाए और लाकर यशोदा मैया किस में बांधी, उखल में, और जब बांधने लगी ना जी तो रस्सी 2 अंगुल कम पड़ गया, उसके बाद फिर इतनी बड़ी रस्सी लाई फिर जोड़ दिए फिर बांधी फिर 2 अंगुल कम पड़ जाए, जितना रस्सी जोड़े पर 2 अंगुल कम पड़े, क्यों, इसलिए कि जो उखल है वो कश्यप भगवान है और जो रस्सी है वो अदिति मैया है, वो अपने भगवान को बांधना नहीं चाहते, इसलिए रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए, 2 अंगुल कम पड़ जाए। अब क्या करें, जब मैया थक गई ना तो भगवान खुद बंध गए, और जैसे भगवान बंध गए तो मैया कही लाला आज यही बंधा रहा तू, यही बंधा रहा, वहीं पर 2 वृक्ष था, एक अशोक अर्जुन एक यमला अर्जुन, और ये दोनों वृक्ष जो थे ना जी ये गंधर्व थे, ये नारद जी के श्राप से बन गए थे, एक वृक्ष का नाम था नलकूबर एक का नाम था मणि ग्रीव, भगवान उठे हैं और उठकर वो उखल से टकराए हैं, और जैसे ही उखल से टकराए दोनों वृक्ष झरझरा करके गिर गए, और जैसे गिरा आज उन दोनों गंधर्वों का उद्धार भी हमारे ठाकुर ने कर दिया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। अब यशोदा मैया आई और आकर के देखी, भगवान को छुड़ाई, भगवान को स्नान कराई और सुला दी, और जैसे सुला दी ना तो यशोदा मैया जानते हैं कि कन्हैया उठेगा और सबसे पहले माखन मांगेगा, यशोदा मैया का एक काम ही था माखन बिलोना दिन भर, और भगवान जैसे थोड़ा भी सोते थे ना और सो के उठते थे तो उनको लगता था सवेरे हो गया,
माने हमको ताजा माखन चाहिए, माने 9 बजे माखन खाए हैं और सो गए और 9:30 बजे उठे तो बाबू माखन बासी हो गया, वो कल खाओगे। तो जहां ठाकुर सोते थे तहां मैया सिर्फ माखन लगा। अब कन्हैया उठे वो सोए हैं, मैया जानती थी कि कन्हैया उठ के माखन मंगेंगे, इसलिए मैया जल्दी 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 माखन बिलोने लगी। का कर रहे हो भैया? चलिए ठीक है, ठाकुर जी की ओर बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय हो। तो माखन जल्दी जल्दी मैया बिलो रही है, कन्हैया उठेंगे तो माखन खाएंगे। और जब जल्दी जल्दी बिलो रही थी इतने में कन्हैया उठ गए, आकर पीछे से मैया गले में पकड़ लिया, मैया माखन दो, लाला माखन बिलो रही हूँ ना, मैया माखन दो। जिद्दी तो थे मैया, बार बार माखन दो माखन दो माखन दो। अब माखन कहाँ से दी, माखन निकले, बोले सवेरे का माखन रखा है माखन खा लो। तो बोले हम बासी माखन नहीं खावेंगे, हमको ताजो चाहिए। तो बोले सवेरे का ताजा तो है, बोले नहीं नहीं हम बासी नहीं खाएंगे, हमको ताजा चाहिए। अब बड़े जिद करने लगे भगवान। तो भगवान क्या किए, ध्यान को भटकाए। माता क्या की, भगवान के ध्यान को भटकाए। कैसे भटकाए, बोले लाला तू माखन मत ले, तू चंदा ले ले। क्या ले ले, चंदा। अब भगवान क्या किए, माखन को भूल गए, बोले अब मैया हमें चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए चंदा चाहिए। अब चंदा कहाँ से दे मैया, कहाँ से दे। तो एक परात में पानी लाई, ऊपर में चंद्रमा और नीचे छाया पानी में दिखने लगा, बोले ले लाला चंदा। भगवान गए और पानी को छपाक से मार दिए, पान चंदा गोल। बोले मैया अब चंदा दे चंदा। अब चंदा अब तो गोल। अब मैया को लगे कितना जल्दी माखन निकल जाए और मैं लाला को दे दूं फुर्सत पाऊं, पर माखन भी ना निकले। अब मैया अब चंदा दो चंदा दो। अब भगवान कहते हैं, वो भगवान कहते हैं चंदा दो। तो मैया क्या कहती है, मैया कहती है ओके बैठ जाइए बैठ जाइए वही बैठ जाइए, चंदा दो चंदा दो। तो मैया कहती है सुनो लाला तुम चंदा मत लो, तुम्हारे लिए ना चांद सी दुल्हन ला देंगे। अब भगवान माखन भूल गए चंदा भूल गए। अब कहते हैं मैया दुल्हन दो दुल्हन दो दुल्हन दो। अब दुल्हन कहाँ मिले, यशोदा मैया कहा कहती है आह नाक पोंछबो को आवे ना और बड़ा दुल्हन चाहिए। और जब दुल्हन मांगे तो भगवान बताते हैं दुल्हन के फायदे, सुन लो मैया दुल्हन आएगी ना तो मेरा फायदा नहीं है, किसका फायदा है, तुम्हारा फायदा है। तो बोले दुल्हन कौन, बोले राधा रानी। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दो मेरो ब्याह। अरे रे बंधन है प्यार का, अरे रे बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से, राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। यदि ब्याह नहीं कराई ना मैया तो आज के बाद गैया नहीं चराऊंगा और ना ही तुम्हारे डेहरी पर दोबारा आऊंगा। अब तुम्हारे हमारे में हार जीत लगा है। जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया ना ही चराओ, जो नहीं ब्याह कराए तेरी गैया
मैया नाही चराओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ, आज के बाद मोरी मैया तेरी देहरी पर ना आओ। छोरी से मैया करा दे की छोरी से मैया करा दे मेरा, का छोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरा। मैया करा ले मेरो जान।